महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की पहुंच से टमाटर और आम भी दूर होता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इनकी कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। समय से पहले गर्मी और लू जारी रहने से टमाटर और आम की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देश में आम के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 80% पैदावार प्रभावित हुई है। सप्लाई में कमी के कारण आम और टमाटर की कीमत में भारी उछाल आया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है। कम उत्पादन के कारण इस बार आम का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होने की आशंका है। देश में आम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन इस बार उत्पादन 2 दशक में सबसे कम रहने की आशंका है। लू के कारण 80% फसल खराब हो गई है। अधिकांश उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में आम की कीमत 100 रुपए किलो के पार चली गई है। कम उत्पादन के कारण आम का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। वेजिटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्रीराम गढ़वे ने कहा कि टमाटर की कीमतों में हाल फिलहाल कमी आने की उम्मीद नहीं है। जुलाई में जाकर इसमें कुछ नरमी आ सकती है जब नई फसल आएगी। देश में टमाटर की बढ़ती कीमत से सरकार की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि इसका घर घर में इस्तेमाल होता है। सरकार खाने पीने की चीजों की महंगाई को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। अप्रैल में महंगाई 8.38% पर पहुंच गई, जो इसका 17 महीने का उच्चतम स्तर है। खासकर खाने पीने की चीजें महंगी होने के कारण महंगाई बढ़ी है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्लाइमेट कंडीशन में बदलाव के कारण टमाटर की फसल पर कीड़ों का हमला हुआ, इस कारण सप्लाई में काफी गिरावट आई। रिपोर्ट्स की माने तो पहले 1 एकड़ में 10 टन टमाटर की फसल होती थी, जो अब घटकर 3 टन रह गई है। लेकिन लू के कारण टमाटर के फूल मुरझा रहे हैं और इससे भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है। देश में हर साल 2 करोड़ से 3 करोड़ टन टमाटर का उत्पादन होता है। टमाटर की फसल गर्मी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसी तरह समय से पहले गर्मी शुरू होने और लू जारी रहने से आम की फसल पर भी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में सालाना 45 लाख टन आम की पैदावार होती है, लेकिन इस बार पैदावार में गिरावट के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है।